पहाड़ सी मुश्किल इन पहाड़ों की फिजाएं पर बनी रहती हैं, हर वक्त शिखर पर निगाहें। मुझे थकने नहीं देता मेरी हसरतों का ये पहाड़, और बूढ़ा होने नहीं देता उस शिखर पर चमकता सूरज। उम्मीदों का सिलसिला साथ मेरे चलता रहा, साल दर साल नया साल बदलता रहा। मुझे नशा जो हो चला है इन पहाड़ों का, जो कि मुझे घर पर टिकने ही नहीं देते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको लिए जा रहे हैं पिथौरागढ़ जनपद के प्रथम गांव नामिक से लगभग 2.5 घंटे का स्टीप ट्रैक कर समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बालचंद कुंड की यात्रा पर। और आज का यह वीडियो आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यह एक लोनली प्लेस है और अनटच्ड पैराडाइज, जिसका एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। हमने आज सुबह 8:30 बजे मुंशियारी से वाहन से यात्रा प्रारंभ की और फिर बेटुली धार, कालामुनी, रातापानी, गिन्नी, बिरथी, क्विटी होते हुए कक्कड़ सिंह बैंड पहुंचे। यहां से 2 सड़कें आगे को जाती हैं, लेफ्ट वाली थल की ओर, जबकि राइट वाली देकुना, मंसूरी नगर, सामा, भराड़ी और कपकोट होते हुए बागेश्वर को जाती है, लेकिन उसके पहले मंसूरी नगर के पास यह रामगंगा को पार करती है। हमें इसी सड़क से जाना है, लेकिन मंसूरी नगर से राइट लेते हुए होकरा और फिर गौला गांवों को क्रॉस कर आगे बढ़ना था। ऐसे में लगभग 12:45 बजे हम झीलमगाड़ के पास पहुंचे। पिछले 3-4 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण यहां की कच्ची सड़क बहुत स्लीपरी हो चुकी थी और हमारा वाहन लगातार फिसल रहा था। ऐसे में हमने निर्णय लिया कि वाहन छोड़कर यहीं से सीधे ऊपर की ओर चढ़ाई की जाए। नामिक गांव पहुंचने का मेरा सपना आज एक बार और टूट चुका था। खैर, चलो ऊपर की ओर ही चल पड़ते हैं। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे और सिर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल में धूप पड़ रही थी। हम लोगों को आज गौला गांव के सरपंच के द्वारा एक नए रूट से ले जाकर जल्दी पहुंचाने का वादा किया गया, लेकिन यह क्या, यह तो 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई थी। रास्ता था नहीं, बड़ी बड़ी चट्टाने हमारा टफ एग्जाम ले रही थी, हमारी थाइज के बुरे हाल थे और ऊपर से भगवान सूर्य भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन मेरी ट्रैकिंग का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितना ज्यादा आपने कठिन से कठिनतम रास्तों को नापा होगा, उतनी ही आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। आई कैन डू इट का भाव आपके भीतर से आने लगेगा। मैंने एक और फैक्ट नोट किया है कि इस प्रोसेस में हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ता है। आज हम काफी तेज चल रहे थे, दोपहर का 2 बज रहा था और करीब 2 घंटे चलने के बाद हमारे ऊपर बरसा की बूंदें भी मेहरबान होने लगी थी। थके होने के बावजूद हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी और हम अपराह्न लगभग 2:30 बजे बालचंद कुंड के नीचे बुग्याल में पहुंच चुके थे, जहां पर हमारी टीम द्वारा पहले से ही कैंप सेटल किया हुआ था। भूख तो लगी ही थी, दाल भात भी तैयार था। पेट भरकर लंच किया और फिर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस स्थान पर खरसू के पेड़ों की अधिकता है। खरसू बांज की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली प्रजाति है। यह प्रजाति शानदार लाइकेनों से अपना श्रृंगार करती है और प्रकृति के सौंदर्य में 4 चांद लगाती है। खरसू के विषय में और अधिक जानने के लिए हमारा बांज से रिलेटेड वीडियो देखिएगा, जो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। वो रहा नामिक ग्लेशियर, जो समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद की सीमा बनाता है। और हाँ, पूर्वी रामगंगा नदी भी इसी ग्लेशियर से निकलती है। अरे हाँ, मैं तो यह बताना भूल ही गया कि हमारी कैंप साइट से मात्र 300 मीटर की दूरी पर
कल शाम यानी कि 2 जून 2024 की शाम को वज्रपात होने से भेड़ पालकों की करीब 50 भेड़ें मर चुकी थी और भेड़ पालक एवं हमारा स्टाफ बाल बाल बचा था। चारों ओर गमगीन समा था। खैर, मेरे स्टाफ द्वारा मेरे लिए एक अन्य टेंट लगाया गया। 4 घंटे की तेज बारिश के बाद हवाएं बहुत तेज चल रही थी और ठंड काफी बढ़ गई थी। ऐसे में शाम को गर्मा गर्म चाय मिलना एक सुखद अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी तो हमारी टीम द्वारा जरक और लिंगुड़े की सब्जी तैयार की गई। इन दोनों लोकल सब्जियों के साथ रोटी का भोजन तबीयत खुश कर देने वाला था। अब रात गहरा चुकी है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। उजाले के लिए अपने पास केवल एक टॉर्च है। मोबाइल में सिग्नल न होने के कारण शांति और ज्यादा थी, और जब ऐसी खामोशी होती है तो हमें भाग दौड़ भरी इस दुनिया से दूर इंट्रोस्पेक्शन करने और ध्यान लगाने का समय मिलता है, जो कि हमारे मन को अत्यधिक शीतल कर देता है। और इस ध्यान की अवस्था में ही मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी। टेंट से बाहर निकलकर देखा तो बहुत सुहाना मौसम था। शाम को हुई बारिश और फिर रात को पाला पड़ने के कारण पेड़ों की पत्तियां अच्छे से धुलकर चमक रही थी। नामिक ग्लेशियर पर सूर्य की पहली किरण उसे एक मुकुट के समान चमका रही थी। आज 4 जून था, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस का पहला दिन था। हम फॉरेस्ट वाले इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो आज हमने इसके आसपास में पूर्व में बनाए गए चाल खालों की सफाई की एवं लगातार बारिश से तर हो चुकी भूमि पर कुछ पौधे भी लगाए। अब समय था नाश्ते का। कुछ मैगी बनाई एवं उसके साथ रोटियां खाई गई। इस दौरान मेरी भेंट इसी कुंड के पास बनी कुटिया में विगत 4 वर्षों से योग ध्यान का अभ्यास कर रहे बाबा जी श्री श्री हीरा ब्रह्मचारी से हुई, जिन्होंने जीवन की अपनी यात्रा में प्राप्त हुए अनुभवों एवं बालचंद कुंड की महिमा के विषय में हमें विस्तार से जानकारी दी। मैं भी काफी समय तक एकटक उनकी बातों को सुनता ही रहा। आसमान में जो आप इन पंछियों को देख रहे हैं, परसों रात को मरी हुई बकरियों को खाने के लिए ये यहाँ पर घूम रहे हैं। इसके बाद ऊपर चढ़कर हम कुछ देर बाबा जी की कुटिया में बैठे। उन्होंने हमें चाय पिलाई और फिर करीब 9:45 बजे हम यहाँ से द्वालीगाड़ की ओर रवाना हो चले थे। पहले तो लगभग 1 घंटा हम चढ़े और समुद्र तल से 3250 मीटर की ऊंचाई पर एक चौराहे पर पहुँचे, जहाँ से वर्षा काल में आसपास के ग्रामीण अपने इष्ट देवताओं की पूजा के लिए ब्रह्म कमल लेने हेतु ब्रह्म कुंड की ओर जाते हैं। परसों शाम इन्हीं भेड़ों के 50 साथी हमेशा हमेशा के लिए इनसे जुदा हो चुके थे। डरी सहमी हुई सी ये भेड़ें
अब अपने उच्च हिमालयी प्रवास के लिए धीरे धीरे जोहार घाटी की ओर प्रस्थान कर रही हैं। अगले 5-6 महीने तक ये उन्हीं बुग्यालों में रोज जगह बदल बदल कर चारण करेंगी और फिर अपना चक्र पूरा करके नीचे की ओर उतर आएंगी। 11 बज गए थे। अब हमने धीरे धीरे नीचे को उतरना प्रारंभ किया। अब हमें लगभग 3 से 4 घंटे तक नीचे को ही उतरना था, जो कि हमारे घुटनों का एक मुश्किल इम्तिहान होने जा रहा था। लगभग आधा घंटा चलने के बाद हम एक शानदार स्थान पर पहुंचे, जहां पर दो छोटे छोटे झरने मिलकर एकाकार हो रहे थे। इस स्थान को धार पानी बोला जाता है। हम अपना वाटर बोतल लाना भी भूल गए थे, इसलिए काफ़ी प्यास लगी थी। पेट भरकर पानी पिया और गुड़ चने का स्वाद। कुछ देर सुस्ताए और फिर रुईगैर की ओर बढ़ चले। शायद वहां पहुंचने में हमें 1 घंटा और लगेगा। दोपहर का 12:35 और हम पहुंच रहे हैं रुईगैर। और ये आगे आगे चलते हुए हमारे साथी कविंदर बहुत फुर्तीले देखते हैं। हम रुईगैर में हैं और वो उस ऊंचाई से उतरकर आए हैं। रुईगैर कोई एक गांव नहीं है, बल्कि यहाँ पर केवल एक महिला जिनका नाम बसंती है अपनी सैकड़ों बकरियों एवं भेड़ों के साथ रहती हैं। मैंने उनके साहस की प्रशंसा की एवं अकेले इस बियाबान में रहते हुए इतनी खेतीबाड़ी के साथ ही सैकड़ों भेड़ बकरियों का मैनेजमेंट करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। यहाँ पर हमने कुछ मैगी भी बनाई। चाय मैगी को खाकर आंतों को कुछ सुकून मिला और अब मौसम खराब होता देखकर हमने अपनी कमर कसी और द्वालीगाड़ के लिए चल पड़े। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव की तरह ही ये रास्ते कभी चढ़ रहे थे, कभी उतर रहे थे और कभी रास्ते थे ही नहीं। सॉरी रॉली, बहुत खूबसूरत नजारा। इस प्रकार उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हमने अपने 2 दिनों का ये ट्रैक पूरा किया और 3 बजे शाम के द्वालीगाड़ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के 15 मिनट पहले से बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए हम थोड़ा भीग भी गए थे। यहाँ पर हमारा राजकीय वाहन हमें लेने आया हुआ था। हम उसमें सवार हुए और उसके बाद मुंशारी की ओर बढ़ चले। और आपके लिए भी कुछ यादगार पलों को हम यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।